नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में लेके आई हूं लाइट वेट फेस्टिवियर साड़ी हॉल। और जो भी साड़ियां मैं आपको दिखाऊंगी सभी लाइट वेट है, इजी टू मेंटेन है और इनको आप फेस्टिवियर की तरह यूज़ कर सकते हैं, डेली वेयर की तरह, ऑफिस वेयर की तरह कभी भी पहन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी अगर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो आपको ये साड़ियाँ काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगी क्योंकि अभी अमेज़ॉन पे सेल चल रही है। तो सबसे पहले ये हमारी ग्रीन कलर की साड़ी और इसमें जो है बॉर्डर इस टाइप का लगा हुआ है। ये मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी बहुत ही अच्छी है, इसकी जो क्वालिटी है ये मॉस जॉर्जेट बोलते हैं इसको। आपको इस टाइप का वाइब्रेंट सा ब्लाउज पीस मिल जाएगा जो कि ब्लाउज पीस के जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और ये साड़ी जो है ये पूरी साड़ी प्लेन है और इसमें बॉर्डर है, तो इस टाइप की साड़ी है ना कि इसमें एक तो हाइट आपकी अच्छी लगेगी और ये फेस्टिव वियर भी लगेगा और ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं लगेगा, मतलब फेस्टिव वियर होते हुए भी तड़क भड़क वाली नहीं है बहुत ज़्यादा। इसको आप ऑफिस वियर की तरह भी पहन सकते हैं। और साड़ी की लंबाई आपको 5.5 मीटर मिल जाएगी और उसके साथ 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। वैसे 80 सेंटीमीटर बोला है लेकिन मुझे लग रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और साड़ी का मटेरियल इस टाइप का है कि इसको मेंटेन करना इजी है। और इस साड़ी में जैसे इस टाइप की जो साड़ी होती है जिसमें इस टाइप की बॉर्डर होते हैं और प्लेन साड़ी होती है उसमें हाइट भी अच्छी लगती है और हम स्लिम भी लगते हैं। जो हमारी अगली साड़ी है वो शिफॉन की साड़ी है और इसके ऊपर जो इस टाइप का प्रिंट है ये जनरली हैंड प्रिंटेड साड़ी इस टाइप की होती है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि हैंड प्रिंटेड है कि नहीं क्योंकि ये मतलब जिस हिसाब का इसका प्राइस मैंने पे किया है तो हैंड प्रिंटेड तो नहीं होनी चाहिए, पर ये लग रही है हैंड प्रिंटेड साड़ी क्योंकि आजकल मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैंने देखा था कि ये इस टाइप की साड़ी काफ़ी ट्रेंड में है। और इसमें इस टाइप का जो गोटा टाइप का जो क्या बोलते हैं इसको बॉर्डर लगा हुआ है ये पूरा स्टिच किया हुआ है इस टाइप से, जो कि साड़ी की लुक को और ज़्यादा एनहेंस करता है। और इसका कलर जो है पिस्ता ग्रीन है जिसकी वजह से ये साड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इसको ऑफिस वेयर की तरह पहने या डे टाइम फंक्शंस में पहने, और ख़ास करके जो अभी का मौसम हो रहा है उसके लिए तो काफ़ी मतलब परफेक्ट साड़ी है। और इसको आप डेली वेयर की तरह भी पहन सकते हैं। और इस साड़ी में नीचे की तरफ इस तरह से प्रिंट है और ये हो सकता है कि हैंड प्रिंटेड भी हो क्योंकि कुछ पता नहीं है। और ये साड़ी भी 5.5 मीटर है, इसके साथ आपको मिल जाएगा इस टाइप का साटन का ब्लाउज़ और जो साटन की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो सिमिलर कलर का ब्लाउज़ रहेगा जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक आएगी। तो ब्लाउज़ को आप अपने हिसाब से सिलवा सकते हैं, इसमें चाहे तो पर्ल वगैरह लगवा के सिलवा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा, या इस टाइप का गोटा वर्क वाला कुछ करवा सकते हैं ब्लाउज़ में, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो ये साड़ी काफ़ी ट्रेंडी है और जैसे ये शिफॉन है लेकिन इसमें हल्की हल्की शाइन जैसे है, तो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मटेरियल और ये इस टाइप का है ना ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, मैंने कई लोगों को देखा है। उसके बाद जो अगली साड़ी है हमारी ये पिंक कलर की है, ये काफ़ी खिलता हुआ कलर है, काफ़ी खिलता हुआ पिंक कलर है। और इसमें जो है साटन की जो है ना इस टाइप की स्ट्राइप्स हैं, ताकि आपको बीच बीच में साटन की स्ट्राइप्स मिल जाएंगे। और ये शिफॉन की साड़ी है और बॉर्डर पे आपको ये सितारे का काम मिल जाएगा ये इस तरह से, और ये पूरी साड़ी पे है। और इस पर भी जो प्रिंट है ना ये भी हैंड प्रिंटेड लग रहा है। तो ये साड़ी भी लाइट वेट शिफॉन साड़ी है, इसको भी आप डेली वेयर ऑफिस वेयर में कभी भी पहन सकते हैं। और इसके साथ हमें सिमिलर कलर का ही ब्लाउज पीस मिला है, कपड़ा बिल्कुल सेम है, तो आप चाहें तो सिलवा सकते हैं, नहीं तो सेम कलर का अगर आपके पास प्लेन ब्लाउज हो उसको भी चला सकते हैं। बहुत ही प्यारी साड़ी है, पहन के ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जो ये है साटन की साड़ी, साटन और क्रेप टाइप की साड़ी है। एक तो साटन होता है तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा क्रेप थोड़ा साटन, ये पता नहीं कोई नया मटेरियल है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, पहन के बहुत अच्छी लगती है। कई सारे डिज़ाइंस में थी तो मैंने ये वाला मंगाया मरून कलर का, और पहन के बहुत ही प्यारी लगती है। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये साड़ी ऐसी है कि इसमें एक तो हमारा वेट कम लगता है, हाइट लंबी लगती है और इजी टू मेंटेन है। जब इस साड़ी को पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने प्योर सिल्क की साड़ी पहन रखी है। और इस साड़ी की लेंथ भी आपको 5.5 मीटर मिल जाएगा और इसके साथ आपको इस टाइप का शिफॉन का कह रही हूँ प्लेन ब्लाउज पीस मिलेगा जो कि 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस है, और ये मुझे लग रहा है 80 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा भी होगा, तो ये आपको इसी मटेरियल में मिल जाएगा। इस टाइप की साड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप डेली वेयर के लिए चाहते हैं या डे टाइम फंक्शन में आप चाहते हैं, तो इसके साथ थोड़ा इसको थोड़े ट्रेंडी से ब्लाउज़ के साथ आप टीम करेंगे तो बहुत ही अच्छी साड़ी लगेगी ये इस टाइप की। और भी बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न में है तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली साड़ी है ये सॉफ्ट जॉर्जेट की साड़ी है और ये डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब डेली वेयर में ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो लाइट हो और पहन के अच्छा लगे और मेंटेन करना इजी हो, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये साड़ी जो है ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो इसको आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मैंने ये कलर लिया है तो ये कलर इस टाइप का है ना कि लाइट कलर है,
तो थोड़ा सा कभी कभी मन करता है ना लाइट कलर पहनने का, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो पैटर्न है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है। और ये साड़ी इस टाइप की है ना कि इस टाइप की साड़ियों का कभी ट्रेंड जाता नहीं है। और इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये आप देख लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिज़ाइन है, अलग से पैटर्न बने हुए हैं इसमें। और इसका जो पल्ला है, पल्ले में इस टाइप के टेसल्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसको आप रेगुलर वेयर में, ऑफिस वेयर में इसको कंसिडर कर सकते हैं। और चाहें तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग ब्लाउज़ के साथ आप इसको डे टाइम में फेस्टिव वेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस साड़ी के साथ हमें इस टाइप का ब्लाउज़ पीस मिल जाएगा। ब्लाउज़ की पीस के ऊपर इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, तो अगेन ब्लाउज़ पीस भी काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा ये ब्लाउज़ पीस के साथ इस साड़ी को टीम करने में। तो ये साड़ी की लेंथ भी आपको 5.5 मीटर मिल जाएगी और ब्लाउज़ पीस 80 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और उसके अलावा जो लास्ट साड़ी है वो है ये जॉर्जेट की साड़ी, तो ये मैंने पहन ही रखी है। तो इस साड़ी का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट जॉर्जेट है और इस टाइप की जो फ्लोरल पैटर्न है ये चल रहे हैं काफ़ी ट्रेंड में। तो ये साड़ी मेरे पास दूसरे कलर्स में भी है, तो ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद है, तभी मैंने इस बार भी मंगाई है। और इसका कलर जो है ब्लू है। और इसके साथ का मैं ब्लाउज पीस आपको दिखा देती हूँ, मैंने निकाल रखा है सिलवाने के लिए। इस साड़ी के साथ आपको इस टाइप का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा डार्क रेड टाइप का है या मैरून टाइप का कह लो, जिस टाइप के इसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं उसी टाइप का है, साटन का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साटन है। और इसके ऊपर भी इस टाइप का जैसे साड़ी में बॉर्डर लगा हुआ है, पूरी ब्लाउज पीस पे आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। और ब्लाउज़ पीस जो मैंने आपको दिखाया लगभग 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ही है, तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं जो डिज़ाइन का बनाना चाहें। और इस साड़ी की लेंथ भी 5.5 मीटर है जो कि पूरी प्रॉपर लेंथ है और अच्छी खासी इसमें प्लेट्स आ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि इन साड़ी को प्रेस करने का झंझट नहीं है, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है कि साड़ी बांधो तो उसके बाद वो फिर उसको आयरन करना, उसको मेंटेन करना, स्टार्च डालो, ये करो वो करो, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। इसको आप सिंपली मशीन में वॉश कर सकते हैं और पहन सकते हैं, कोई रिंकल नहीं, कुछ नहीं। तो यही था आज का अमेज़ॉन डेली वेयर एंड फेस्टिव वेयर साड़ी हॉल। तो आपको इनमें से कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी साड़ी मैंने आपको दिखाई है इन सब की लेंथ प्रॉपर 5.5 मीटर है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि जो भी साड़ियाँ मैंने मंगाई है मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनकी क्वालिटी में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और इनको आप कभी भी पहनेंगे तो हमेशा अच्छी लगेगी। और अभी आप अगर अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।